तारीख गवाह है कि दुनिया से जाने वाला हर कोई जाता है, मगर हर एक के जाने का अंदाज अलग अलग होता है। कोई जाने वाला ऐसा जाता है जिसके जाने के चंद दिनों के बाद लोग उसे भूल जाते हैं। कोई जाने वाला ऐसा जाता है जिसके जाने के बाद कुछ महीने तक लोग उसे याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। कोई जाने वाला ऐसा जाता है जिसके जाने के बाद सालों साल तक लोग उसे याद रखते हैं। इंसान अपने किरदार के बलबूते पर अपना नाम जिंदा रखता है। जो जितना अच्छा किरदार करके दुनिया से चला जाता है, उसका नाम उतना ही बाकी रहता है। और किरदार अगर अच्छा होता है तो लोग अच्छे नामों से याद किया करते हैं। ये दुनिया यकीनन फानी है, जो भी आया इस दुनिया में उसे जाना है। हाँ, इतना जरूर है, खुश नसीब है वो इंसान जिसने इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर ली। खुश नसीब है वो इंसान जिसने इस दुनिया में रहकर अपने कब्र की तैयारी कर ली। खुश नसीब है वो इंसान जो इस दुनिया में रहा तो भी इज्जत व आबरू के साथ रहा, दुनिया से गया तो भी इज्जत व आबरू के साथ गया, और उसके जाने के बाद दुनिया उसका नाम लेती है तो इज्जत के साथ नाम लेती है। मेरे अजीज, खूब अच्छी तरह जहन नशी कर लें और तख्त ये दिल पर ये जुमला नोट कर लें कि जिंदगी अगर बराए बंदगी हो तो फिर इस जिंदगी का कोई जवाब नहीं। जिंदगी दी ही गई है इसलिए कि रब तबारक व ताला की हम इबादत करें। हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है कि इस दुनिया में रहकर अपने रब को राजी करने की कोशिश करते रहें और अपने रब को राजी कर लें, इसी में कामयाबी और कामरानी है। बहरहाल, मौत से छुटकारा न किसी को मिला है न किसी को मिल सकता है। दुनिया की इब्तिदा से लेकर आज तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा न हुआ जो हमेशा हमेश के लिए हो, बल्कि जितनी मखलूक है, दुनिया की जितनी शय है, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, इंसान तो इंसान, दुनिया की हर चीज़ एक न एक दिन ख़त्म होने वाली है। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी के लिए न जाने हम क्या से क्या किया करते हैं, इसी ज़िंदगी के ऐशो आराम के लिए झूठ बोलने को हम अपना मशगला बना लेते हैं। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी को ऐशो आराम वाली ज़िंदगी बनाने के लिए हराम खोरी हमारा पेशा बन जाता है। ये ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी को ऐशो आराम से काटने के लिए न जाने कितने बुराई के दलदल में हम फंसते हुए चले जाते हैं। ये ज़िंदगी, पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए सूद हमारे यहाँ, जना हमारे यहाँ, बुराई हमारे यहाँ, बल्कि समाज के अंदर अगर निगाह उठाकर देखा जाए तो कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे यहाँ ना पाई जाती हो। हमारा हाल तो ये है कि सुबह को उठते हैं तो बुराई करते हुए, शाम को बिस्तर पे लेटते हैं तो बुराई करते हुए। हालांकि हमारी जिंदगी का मकसद क्या था, हम अपने जिंदगी के मकसद को कभी समझने की कोशिश करते तो शायद ये बात समझ में आती और शायद हमें वो रास्ता मिल जाता जिस रास्ते पे हमें चलने के लिए अल्लाह ने कहा। शायद कभी गौर व फिक्र कर लिए होते कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है। जरा गौर करके देखें, अल्लाह ने जमीन व आसमान को पैदा किया, चांद और सूरज को पैदा किया, शजर व हजर को पैदा किया, दुनिया की हर चीज पर नजर उठाकर देखें। ये हर चीज पर जब आप गौर करेंगे तो ये बात समझ में आएगी, अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया इसलिए
कि इस जमीन पर हम मकान बनाकर सुकून से रह सके। अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगा दिया ताकि उस शामियाने के तले बासानी हम अपनी जिंदगी गुजार सके। अल्लाह ने चांद को रोशनी बख्शी ताकि चांद की चांदनी हमें हासिल हो सके। अल्लाह ने सूरज को रोशन किया, सूरज जब रोशनी बिखेरता है तो दिन का उजाला हो जाता है। अल्लाह ने चांद और सूरज के साथ साथ आसमान में सितारे पैदा किए, जिन सितारों की झुरमुट में हम देखते हैं कि चांद तरह तरह नजर आता है, उस सितारे की रोशनी से भी हम फैजयाब होते हैं। इसी जमीन पर आपने देखा होगा कि इसी जमीन पर कहीं गल्ला उगाया जाता है, कहीं गेहूं उगाया जाता है, कहीं धान उगता है, कहीं दाल और कहीं दीगर अशिया को लोग उगाया करते हैं। ये गेहूं किसके लिए? जवाब मिलेगा, इंसान तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर गेहूं ना हो तो आटा कैसे बनेगा, अगर आटा ना हो तो रोटी कैसे बनेगी, अगर रोटी ना हो तो तू खाएगा क्या। ये धान जो जमीन से उगता है, ये धान पर अगर गौर किया जाए, पूछो ये धान तुझे किसके लिए पैदा किया गया, कहा अगर धान ना होता तो चावल ना होता, अगर चावल ना होता तो गलाया ना गया होता, न गलाया गया होता तो ऐसी सूरत में आज भात के शक्ल में, पुलाव के शक्ल में, बिरयानी के शक्ल में जो तुम खा रहे हो ये चावल ही देन है। अगर चावल का वजूद ना होता तो ये सारी चीजें तुम्हें नहीं मिलती। पता चला जमीन पर गल्ला उग रहा है हमारे लिए, जमीन पर सब्जियां उग रही हैं हमारे लिए, जमीन पर पेड़ पौधे उग रहे हैं हमारे लिए। ये फल के जमाने में आम जैसा फल हमें मिलता है, हम आम तो खा रहे हैं, मगर जरा गौर व फिक्र करें, ये दरख्त फल तो दे रहा है, ये फल आखिर इस्तेमाल कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। पता चला दरख्तों का फल अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया, ये सब्जियां अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की, ये दाल और चावल, ये गेहूं, ये सारे गल्ले अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किए हैं। जरा गौर करते चलेंगे तो बात समझ में आएगी। दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं, दुनिया की कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जो हमारे लिए ना हो। ये हवा अल्लाह ने चलाई, हवा क्यों चलाया अल्लाह ने? ताकि हवा से हम फायदा हासिल कर सके और हम आसानी सांस ले सके, ताकि हमारी जिंदगी पुरसुकून गुजरे। ये हवा चल रही है हमारे लिए। अल्लाह ने जमीन में पानी को पैदा किया, उस बारिश के जरिए प्यास हम बुझाया करते हैं। अगर पानी ना होता ये शरबत कहाँ से, अगर पानी ना होता ये चाय कहाँ से, अगर पानी ना होता खाना बनता कहाँ से? पता चला ये पानी को भी अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया। यहाँ तक के जिस आग की तपिश पर खाना हम बनाकर खाया करते हैं, ये आग भी अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया। पता चला दुनिया में जितनी चीजें नजर आती है इंसान के लिए नजर आती है, चाहे वो दरख्त के शक्ल में हो, चाहे वो अनाज के शक्ल में हो, गल्ले के शक्ल में हो, यहाँ तक कि अल्लाह ने जमीन पर जानवरों को भी पैदा किया। कुछ ऐसे जानवर को पैदा किया जिसका खाना अल्लाह ने हमारे लिए हलाल करार दिया, जिसे हम खाते हैं और लुत्फानंदोज हुआ करते हैं। कुछ ऐसे जानवर को अल्लाह ने पैदा किया जिसका दूध हम इस्तेमाल करते हैं। पता क्या चला दुनिया में जितनी चीजें नजर आती हैं, हर वो चीज हमारे फायदे के लिए। मगर कभी गौर व फिक्र करके देखे, पूछे ए परवरदिगारे आलम, तूने जमीन को हमारे लिए बनाया है, आसमान को हमारे लिए बनाया है, चांद को हमारे लिए बनाया है, सूरज को हमारे लिए बनाया है, सितारों को हमारे लिए बनाया है, दरख्तों को हमारे लिए बनाया है, फल फ्रूट हमारे लिए पैदा किया है, जानवरों को हमारे लिए बनाया है। ए अल्लाह, लेकिन हमें तूने जो बनाया है, ए अल्लाह आखिर हमें तू किसके लिए बनाया है? तो रब तबारक व तआला का जवाब होगा, ए मेरा बंदा सोच, कायनात की तमाम चीजों को मैंने बनाया तेरे लिए और तुझे बनाया है अपनी इबादत के लिए। कुरान पुकारता नजर आएगा, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंसान को पैदा किया सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। पता ये चला दुनिया की जितनी चीजें हैं ये इंसानों के लिए है, और इंसान जो पैदा किया गया है वो परवरदिगार की इबादत के लिए पैदा किया गया है। लेकिन आज गौर व फिक्र करें, जिस रब की इबादत के लिए हम पैदा किए गए,
जिस रब का नाम लेने के लिए हम पैदा किए गए, जिस रब के सामने अपनी पेशानी खम करने के लिए पैदा किए गए। आज हमारे जिंदगी के मशागिल इस कदर, जिंदगी का हाल ये कि उस रब के सामने झुकने के लिए हमारे पास 10 मिनट का वक्त नहीं है। इतनी सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है कि जिन जिम्मेदारियों को अदा करते करते दिन का वक्त भी गुजर जाता, रात का वक्त भी गुजर जाता, उस रब के सामने हम जाने के काबिल भी नहीं, उस रब के सामने अपनी पेशानी खम करने के काबिल भी नहीं। कभी वक्त मिल जाता है तो अपनी पेशानी खम कर लेते हैं, मगर सच तो यह है कि उस रब की इबादत के लिए हम पैदा किए गए थे। मगर अफसोस, उस रब की इबादत के लिए पैदा किए गए मगर उसी रब को भूल गए। नतीजा क्या है? रिज़्क तो हमें मिल गया, रज़ाक न मिल सका। दुनिया में हम जी तो रहे हैं, खाना हमें मिल जा रहा है, मगर जिस जो खिलाने वाला परवरदिगार है वो हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए कि हमने दुनिया में रिज़्क तलाश किया है। जब रिज़्क तलाश किया तो अल्लाह ने हमें रिज़्क अता कर दिया है। अगर हम दुनिया में रहकर रज़्ज़ाक को तलाश करने लगेंगे, अगर हम दुनिया में रहकर खालिक कायनात को तलाश करने लगेंगे, अगर हम दुनिया में रहकर रब तबारक व तआला को तलाश करने लगेंगे, तो याद रखें, आज रिज़्क तलाश किया है तो रिज़्क मिला है। जिस दिन रज़्ज़ाक को तलाश करेंगे वो रज़्ज़ाक भी मिल जाएगा, और जब वो परवरदिगार मिल जाएगा हमारी जिंदगी की कैफियत बदल जाएगी, हमारे जिंदगी में इनकलाब आएगा। और जब जिंदगी में इनकलाब आएगा फिर ये दुनिया हमारे निगाहों के सामने बिल्कुल मुख्तसर हो जाएगी, ये दुनिया हेच हो जाएगी, और फिर कुरान करीम की आयत मुकद्दसा सामने आएगी। रब का फरमान कहेगा, कुल बताओ दुनिया कली, ए दुनिया वालों, ए इंसानों, हमने कहा था ना दुनिया का ऐशो आराम का सामान बहुत मुख्तसर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। असल आराम का सामान तो मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में बनाए रखा है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में रहने के बावजूद दुनिया का ऐशो आराम तो हमने तलाश करना शुरू किया, लेकिन कभी गौर व फिक्र करने की कोशिश नहीं की, कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की आखिर रब ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, उस रब की इबादत के लिए हमारे पास वक्त कहाँ है। जरा सोचे, जाने वाला रोज जाता है, हम कंधा उठाकर कब्रिस्तान में ले जाते हैं, जाने वाला रोज हमारे इलाके से कोई ना कोई जाता है, हम उसे नहलाते भी हैं, कफनाते भी हैं। जाने वाला रोज हमारे इलाके से कोई ना कोई जाता है, हम उसकी नमाज जनाजा तो पढ़ते हैं, उसके जाने पर तो हम आंसू बहा लेते हैं। काश कभी अपनी जिंदगी पे आंसू बहाए होते, काश कभी अपने आप पर आंसू बहाए होते। जाने वाला तो इस दुनिया से जा रहा होता है, वो तो जमाने को पैगाम दे रहा होता है, लिहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हो, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हो। जाने वाला एक मोमिने कामिल जमाने को पैगाम देता है, ए दुनिया वाले तू रो रहे हो मगर मेरे लिए तो खुशी की घड़ी आई है। मौत के बाद जिस रब, जिस रसूल से मैं मोहब्बत किया करता था, जिस नबी पर दरूद व सलाम भेजा करता था, जिस नबी का नाम लिया करता था, अब तो मेरी तमन्ना पूरी होने वाली है, अब तो आरजू की तकमील का वक्त आ गया है, अब कब्र की मंजिल क्या होगी, कब्र में तुम डाल कर चले आओगे, यकीनन तुम्हारा सहारा हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जिस नबी से हमने प्यार किया है, जिस नबी से हमने मोहब्बत किया है, जिस नबी का हमने नाम लिया है, हमें यकीन है कि कब्र में गुंबदे खजरा वाले आका की जियारत नसीब हो जाएगी। इसलिए मैं तो अपने आका की जियारत के लिए जा रहा हूँ। ए रोने वालों, मेरी मौत पे रोना बाद में, पहले अपने जिंदगी पे रोना शुरू कर दो, इसलिए कि जाने वाला तो चला जा चुका, अब इस दुनिया से उसका रिश्ता टूट चुका है। रोना है तो अपनी जिंदगी पे रो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का हाल ये कि अजाने फज्र होती नहीं तुझे परवाह नहीं, अजाने जोहर होती नहीं तुझे परवाह नहीं, असर का वक्त होता रहा तुझे कोई परवाह नहीं, मगरिब के वक्त पुकारा जाता रहा तुझे कोई परवाह नहीं, ईशा के वक्त बिस्तर पे सोया रहा तुझे कोई परवाह नहीं। रोना है तो मरने वाले की मौत पे नहीं, बल्कि तू अपनी जिंदगी पे रोना शुरू कर दे।